नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आमिर खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा जैसे जैसे अपने रिलीज के नजदीक पहुंच रही है, फिल्म को लेकर लोगों के बीच क्रेज बढ़ता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह खुद आमिर खान है, जो इस फिल्म के जरिए 4 साल बाद अपनी फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। आखिरी बार वो थंग्स ऑफ हिंदुस्तान में नजर आए थे, जिसे कुछ खास रिस्पॉन्स लोगों से नहीं मिला था। वहीं लाल सिंह चड्ढा से न सिर्फ दर्शकों को बल्कि खुद आमिर खान को भी खासा उम्मीद है। दरअसल हाल ही में आमिर खान कॉफी विद करण सीजन 7 में पहुंचे थे। शो में उनके साथ करीना कपूर ने भी शिरकत किया था। शो में आमिर खान ने इस बात को कबूल किया कि लाल सिंह चड्ढा को लेकर काफी सीरियस है। कॉफी विद करण में आमिर खान ने बताया कि लाल सिंह चड्ढा बनने का जिक्र 14 साल पहले हुआ था। अतुल कुलकर्णी ने 2 हफ्तों में स्क्रीन प्ले लिखा, जिसे आमिर ने 2 साल तक अवॉइड किया। इसके बाद आखिरकार उन्होंने इस कहानी को सुना और उन्हें ये पसंद आई। आमिर ने ये भी बताया कि इस फिल्म को बनाने का अधिकार हासिल करने के लिए भी उन्हें 8 से 9 साल का समय लगा था। आमिर ने बताया कि फिल्म को लेकर वो जितने एक्साइटेड हैं, उतने ही नर्वस भी हैं। उनके मुताबिक फिल्म पर हर किसी ने बहुत मेहनत की है, अगर दर्शकों को ये फिल्म पसंद नहीं आई तो मेरा दिल टूट जाएगा। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा को लेकर लोग अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं। ट्विटर पर फिल्म को लेकर बायकॉट ट्रेंड कर रहा है, जिसे लेकर हाल ही में आमिर खान ने दर्शकों से फिल्म का विरोध न करने की अपील भी की थी। जाहिर है लोगों का गुस्सा देख आमिर खान दहशत में हैं और उन्हें डर है कि कहीं इस बार उनकी फिल्म बायकॉट का शिकार न हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि क्या आप आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट करेंगे, या फिर जैसा कि वो चाहते हैं कि उनकी फिल्म लोग थिएटर में जा करके देखें और उनकी फिल्म को हिट कराएं, तो क्या आप आमिर खान की मदद करने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।